ये कहानी मैं एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम एलेक्स है और ये बात पिछले साल की है जब मैं एक सोलो ट्रिप पर बेल्जियम गया था। मैं बेल्जियम घूमने ऑफ सीजन में गया था क्योंकि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ और मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तब मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ, और यही रीज़न था कि मैंने बेल्जियम में अपने लिए कोई अच्छा सा होटल नहीं बल्कि एक सस्ता सा हॉस्टल बुक किया था। ट्रैवल करते हुए मुझे हमेशा हॉस्टल स्टे ज़्यादा सस्ता पड़ता है क्योंकि हॉस्टल्स में एक ही कमरे में एक साथ काफ़ी सारे लोग रह सकते हैं। बेल्जियम के ब्रसल्स शहर में वो देर रात का समय था जब मैं अपने ऑनलाइन बुक किए हुए हॉस्टल पहुंचा। मैं पहली नज़र में ही उस हॉस्टल को देखकर शॉक रह गया था। ये कैसा हॉस्टल है, ये तो बाहर से ही बहुत बेकार लग रहा है। उस दो मंजिला बिल्डिंग को जब मैंने ऊपर से नीचे तक देखा तो मैंने पाया कि उसकी दीवार जगह जगह से टूट रही थी और वो बिल्डिंग काफ़ी बेकार लग रही थी। लेकिन क्योंकि मैं उस हॉस्टल के लिए पहले ही पैसे पे कर चुका था तो मैंने एक बुझे मन के साथ उस हॉस्टल में एंटर कर ही लिया। हॉस्टल में घुसते ही मैंने पाया कि वहाँ की लाइटनिंग काफ़ी डिम थी और हर तरफ काफ़ी अंधेरा सा हुआ पड़ा था। हॉस्टल की रिसेप्शन पर एक मिडल एज आदमी बैठा हुआ था जो कि अपनी कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो रहा था। मैंने उस आदमी को जगाते हुए कहा, हेलो सर, एक्सक्यूज मी, मेरी यहाँ पर दो दिन के लिए बुकिंग है। उस आदमी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मैंने नोटिस किया कि उस आदमी के चेहरे पर एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन था। मैंने सोचा कि शायद मैंने उसकी नींद खराब कर दी है इसीलिए वो चिढ़ गया होगा, लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती थी। एनीवेज, वो अपनी रिकॉर्ड बुक में मेरी एंट्री करने लगा। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, सर बुरा मत मानिएगा लेकिन आपके हॉस्टल की हालत काफ़ी ख़राब है, आपको कम से कम बाहर वाला टूटा दरवाज़ा तो ठीक करा ही लेना चाहिए। तभी उस आदमी ने बौखलाते हुए मुझसे कहा, तुमने इंटरनेट पर देखा ना, ये हॉस्टल इस एरिया का सबसे सस्ता हॉस्टल है। जी हाँ, लेकिन तो मुझसे शिकायतें करना बंद करो और जैसा कमरा मिला है उसमें खुश रहो। उसका रूखा बर्ताव देखकर मुझे समझ आ गया था कि इस आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए मैंने अपना लगेज उठाया और ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं अपने शेयरिंग रूम में घुसा तो मैंने पाया कि कमरे का साइज तो ठीक था लेकिन वहां पर जितने भी बेड्स एंड लॉकर्स थे वो सभी खस्ता हालत में थे और चरमराने की आवाजें निकाल रहे थे। लेकिन क्योंकि मेरे अलावा वहां पर अभी कोई भी नहीं था तो मैंने एक ठीक ठाक सा बेड पकड़ लिया और उसके लॉकर में मेरा सामान भी रख दिया। क्योंकि वो एक शेयर्ड रूम था इसीलिए दरवाजे के बगल वाली दीवार पर लिखा भी हुआ था कि दरवाजे को अंदर से बंद करना मना है क्योंकि किसी भी टाइम कोई और ट्रैवलर भी यहाँ पर रहने आ सकता था। मुझे इस पाबंदी से वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने उस दरवाजे को थोड़ा सा भीड़ ही दिया। रात के करीब 2 बजे का समय था और मैं अपने मोबाइल में कल कहाँ कहाँ घूमने जाना है उसी के बारे में सर्च कर रहा था कि तभी अचानक मेरे बगल वाली दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग अचानक ही नीचे गिर गई। मैं बेड से उठा और उस पेंटिंग को मैंने वापस उसी कील पर टांग दिया जिस पर वो पहले टंगी हुई थी। मैं अपने बेड पर वापस जाने ही लगा था कि तभी वो पेंटिंग एक बार फिर गिर गई। ये हो क्या रहा है, इस पेंटिंग को किसी बेड पर ही रख देता हूँ वरना तो ये गिरती ही रहेगी। मैंने पेंटिंग को एक खाली पड़े बेड पर रख दिया और फिर वापस अपने बेड पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। अभी शायद कुछ 5-10 मिनट ही बीते थे कि तभी मुझे किसी के चलते हुए कदमों की आवाज मेरे कमरे की तरफ आती हुई सुनाई दी। मैं भी दरवाजे की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि शायद कोई और भी इस कमरे में रहने के लिए आ रहा है, लेकिन वो जो कोई भी था वो तो बस मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गया था।
काफी देर तक वो इंसान ना तो अंदर आ रहा था और ना ही मुझे उसके वापस जाते कदमों की आवाज आई थी। और इसीलिए मैं अपने बेड से उतरकर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। मैं उतरकर दरवाजे की तरफ जाने ही लगा था कि तभी बाहर जो कोई भी था उसके भागते हुए कदमों की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मैं बाहर कॉरिडोर की तरफ आया तो मैंने देखा कि बाहर जो कोई भी था वो अब वहां से जा चुका था। मैं कंफ्यूज तो था लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि बस अब एक बार टॉयलेट होकर आ जाता हूँ और फिर मैं सो जाऊंगा, क्योंकि कल सुबह 8 बजे तक मुझे उठना भी है। और तभी मैं धीरे धीरे टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगा। बाकी बिल्डिंग की तरह ही हॉस्टल का टॉयलेट भी एकदम सड़ा हुआ था और उसके अंदर घुसते ही मुझे बहुत गंदी स्मेल आने लगी। टॉयलेट के अंदर लाइटनिंग भी बहुत डिम थी और उस टॉयलेट के कोने में एक कचरे का डिब्बा भी गिरा हुआ था जिसके अंदर से सारे टिश्यू निकलकर जमीन पर फैले हुए थे। पर मैंने भी इन सारी चीजों को इग्नोर किया और एक क्यूबिकल में जाकर बैठ गया और मैं टाइम पास करने के लिए अपना फोन देखने लगा। करीब 5 मिनट ही बीते होंगे कि तभी मुझे क्यूबिकल के बाहर एक हलचल सी महसूस हुई। मैं अचानक हुई उस हलचल से घबरा गया था और मैं कमोड पर खड़ा होकर देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर वहां पर है कौन। मैंने जैसे ही दीवार के ऊपर से झांक कर बाहर देखा, मेरी चीख निकल पड़ी। वो जो कोई भी था उसका चेहरा बहुत ही अजीब था और मुझे देखते ही उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया था। मैं भी तुरंत ही नीचे उतर आया था। डर के मारे मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैंने फौरन ही दरवाजे को खोला और भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने सारा सामान समेटा और उसी वक्त उस हॉस्टल को छोड़ने का डिसाइड किया। हॉस्टल का मैनेजर एक बार फिर मुझे उसी रिसेप्शन पर सोता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मेरे अंदर अभी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे उठाकर कोई भी सवाल जवाब करूं, और मैं बस चुपचाप उस हॉस्टल से निकल गया। जब मैं थोड़ी ही दूर एक दूसरे हॉस्टल में जाकर रहने लगा और मैंने पिछले वाले हॉस्टल के रिव्यूज इंटरनेट पर चेक करे तो मैं बहुत ही शॉक हुआ। लोगों ने उस हॉस्टल को 1 स्टार रेटिंग दी हुई थी और सभी ने लिखा हुआ था कि वो एक हॉन्टेड हॉस्टल है। किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि वहां पर जो भूत है वो एक लड़के का है जो कि कुछ साल पहले उस हॉस्टल में ही मर गया था, और उसी घटना की वजह से ज्यादा लोग अब उस हॉस्टल में रहने के लिए आते भी नहीं है। उस हॉस्टल के रिव्यूज पढ़कर मैं काफी शॉक में था, लेकिन थैंकफुली उस रात सही समय पर सही डिसीजन लेने की वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा।